बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना से मौत। पारस अस्पताल में चल रहा था इलाज। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाली हूँ, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के प्रशासनिक गलियारों से है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया है। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोरोना संक्रमित थे और राजधानी के पारस अस्पताल में भर्ती थे। अब से कुछ ही देर पहले उनकी मौत की खबर सामने आई है। सरकार ने अपने मुख्य सचिव की मौत की पुष्टि की है। बात करें अगर हम इस इंसिडेंट के बारे में, तो 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर अरुण कुमार सिंह मुख्य सचिव के इससे पहले बिहार के विकास आयुक्त के पद पर भी रह चुके हैं। 15 अप्रैल को ही उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह में संक्रमित का पता चलने के बाद उन्हें सबसे पहले एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन सेहत में सुधार नहीं होने की वजह से उन्होंने निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी फरवरी 28 फरवरी को दीपक कुमार के मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद अरुण कुमार सिंह बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए थे। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निधन पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शोक जताया है। इसके अलावा मंत्री संतोषी मांझी, धीरेंद्र कुमार सिन्हा उर्फ मुन्ना और विजय यादव ने भी दुख प्रकट किया है। मांझी ने कहा है कि देश ने एक कुशल प्रशासन और शिक्षावाद खो दिया है, उन्हें दुख है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना को लेकर के 97,972 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें कि 13,089 नए कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में अब एक्टिव कोरोना के केसेस अब बढ़ करके 1,00,000 से अधिक हो गए हैं। इस दौरान पिछले 24 घंटे में 89 लोगों की कोरोना से मौत हो जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा पटना में पाए गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।